हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो ये सभी का सभी हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, है ना। वो चैनल का नाम वही है, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। तो बात करेंगे हम जितनी भी समितियां हैं अपने जो संविधान सभा में बनाई गई वो, और संविधान सभा की जो महिला सदस्य है, यानी कि 15 महिला सदस्य, उनके भी मैं ट्रिक से आपको नाम बताऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे जितनी भी समितियां वो और उनके अध्यक्ष। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष की हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात की जाए इनकी, तो सबसे पहले आएगी आपकी संचालन समिति दोस्तों। कौन सी समिति आएगी? संचालन समिति। तो संचालन समिति कैसे याद रखना है? किसी भी चीज का संचालन किया जा रहा है तो संचालन जैसे किया जा रहा है, वो किया था हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्हीं के नाम से हम याद रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि संचालन समिति, यानी संचालन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संचालन किया, ठीक है। तो ये संचालन याद रखना, संचालन किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और यही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसका एक चीज तो अपनी हो गई। दूसरी आती है संघी संविधान समिति। तो संघी याद रखना, जहां भी संघी वर्ड आता है दोस्तों, वहां पे अपने को याद रखना है क्या एक यूनिक नाम है संघ से। तो संघ से याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या याद रखना है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जहां भी संघ वर्ड आ जाए वहां पे जवाहरलाल नेहरू कर देना है, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पे आपकी क्लियर होती है दोस्तों। दूसरी हम बात करेंगे, आगे भी कुछ समितियां आएंगी जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम रहेगा दोस्तों। तो बात करते हैं हम सबसे पहले संघी संविधान। अब आता है प्रांतीय संविधान समिति। अब क्या आ गया? अपना प्रांत से याद रखना है। तो प्रांत से क्या याद रखना है? जितने भी प्रांत से आप जानते होंगे इन चीजों को कि किन्ने इकट्ठा किया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जितने भी प्रांत हैं इनको, जितने भी प्रांत हैं अपने भारत सरकार भारत में, उन सभी प्रांतों को इकट्ठा किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों का, कि जो उप जो समितियां बनी है वो समितियों के अध्यक्ष थे आपके, ये भी आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनिक नाम से अपने को ये चीजें याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक मामलों की जो समिति थी उनके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रांत में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक में भी आपके सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। तो दो समितियां जुड़ेगी, प्रांतीय मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, ये तीनों आपको दिख रहा होगा, है ना। बिल्कुल आराम से इस चीज को याद करिए ट्रिक के माध्यम से। आगे हम बात करेंगे इन्हीं की दो उप समितियां रही है दोस्तों, कौन कौन सी रही है उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली है आपकी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस दोनों चीज मैं आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे से ताकि वो चीज क्लियर हो जाए, ना। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक दे रखे, तो दोनों की उप समितियां आ गई आपकी, ठीक है। अब दोनों में पहली आती है मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे आपके, है ना, यहाँ पे मौलिक दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी मौलिक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से और ये उप समिति के अध्यक्ष हैं जे वी कृपलानी, यानी मौलिक अधिकार अपन ने लिए तो क्या हो गई, अपने ऊपर कृपा हो गई, उससे आप याद रख सकते हैं कि मौलिक अधिकार है कृपलानी की जी। फिर अल्पसंख्यक उप समिति इनके अध्यक्ष रहे दोस्तों एच सी मुखर्जी। तो मुख पे क्या आ गई दोस्तों? मुखर्जी से आपको याद रखना है कि क्या आ गई? मुस्कान आ गई, यानी अल्पसंख्यक जो है मुस्कुराने लगे, तो मुखर्जी आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समितियां, दो समितियां अपने यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो एच सी मुखर्जी हो गया यहाँ पे और जे वी कृपलानी यहाँ पे हो गया है। आगे आता है संघ शक्ति समिति। अब संघ से वापस से नाम अपना आ गया दोस्तों, ऊपर भी हमने ये चीज देखी है कि संघी जहां वर्ड आ जाए वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेना है अपने को, दो चीज हो गई। फिर आता है राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति। इनके जो अध्यक्ष हैं आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। कौन है दोस्तों? राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो संचालन किया उन्होंने क्या किया? राष्ट्र ध्वज संबंधित
स्तरदर समिति के अध्यक्ष भी उन्हें ही बनाया गया। तो इससे आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे और भी समितियां आती हैं, लेकिन इनका एक बार अपन रिवाइज करते हैं। संचालन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघी संघ वर्ड जहां पे आ जाए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत में आपका मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक में, मौलिक अधिकार में उप समिति में जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति में मुखर्जी। संघ आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रध्वज संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको आसानी से याद रखना है ना। आगे मैं बात करूंगा, एक समिति और आती है प्रारूप समिति। तो प्रारूप जो तैयार किया गया था संविधान सभा का, वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आपको इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। तो प्रारूप किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, बाकी आपको तीनों ये याद रखना है, प्रांतीय कौन सी है। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ संविधान सभा की जो महिला सदस्य दोस्तों। तो संविधान सभा की जो महिला सदस्य है 15 है टोटल, और इनको अपन बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ा दूंगा कौन कौन सी है, कैसे आपको याद रखना है। बिल्कुल आसान तरीका, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका पूछ लिया जाएगा। तो पहला आता है अम्मू स्वामीनाथन। कौन सी महिला है दोस्तों? अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, तो अम्मू से याद रख लो, एमू बोलते हैं अपन, एमू से एनी मेस्क्रीन हो गया दूसरा, तीसरा बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है, मैंने ये निशान बना देता हूँ ताकि आपको तीन एक साइड याद हो जाएगी, है ना। टुकड़ों में हम याद करेंगे, है ना, फिर बाकी इधर दो आई दिख रही होगी उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अम्मू की बात करी, अम्मू यानी कि मैं, अम्मू के बाद आ जाएगा आपका एनी आ जाएगा, है ना, एनी आ जाएगा। तो एनी से आपका बेगम याद रखना फिर, तो अम्मू एनी बेगम, अपन बोलते हैं ना मैं बेगम हूँ, तो ऐसे याद रख लो, अम्मू एनी बेगम, यानी कि मैं क्या हूँ, बेगम हूँ, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं, अम्मू एनी बेगम। बिल्कुल ये तीन बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, है ना। ये तीन वर्ड आपको क्लियर हो गए ना, ये तीन वर्ड से आपका आगे का पोर्शन बनेगा। ठीक है, अब मैंने बोला अम्मू एनी बेगम, यानी मैं बेगम हूँ। अब मैं बेगम हूँ तो इससे आपको आगे बढ़ना है, मैं बेगम हूँ किसने बोला? मैंने। तो ये सुना किसने दोस्तों? ये वो सुनेगा, आगे मैं बता रहा हूँ इस चीज को, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीनों अवार्ड याद रखना है। अब आता है दक्षयानी वेल्यादून, क्या आएगा? यानी कि अम्मू हेनी बेगम, यानी कि मू हेनी बेगम किसने बोला? दक्षयानी ने। और बगल से आ जाइए जी दुर्गाबाई, अम्मू एनी बेगम दक्षयानी ने बोला जी दुर्गाबाई, है ना। तो पांच हो गई अपनी एकदम से क्लियर है चीजें, दो ये और ये, तीन एक साथ दो एक साथ। अब देखते हैं, चार दोस्त थी, है ना, सहेलियां थी। पहले का नाम है हंसा, कमला, लीला और मालती। पूरे नाम आप इनको याद कर लीजिएगा, हंसा, कमला, लीला, मालती। एक बार देखते हैं, हंसा, कमला, लीला और मालती, ये चारों दोस्तों सहेलियां हैं, एक साथ मिली है। अब मिली किस दिन मिलेंगी ये? ठीक है, तो वो मिलने वाली है, आगे वर्ड आता है आपका चारों के नाम के आगे कि वो मिली, जैसे बोलते हैं ना अपन, पूर्णिमा के दिन मिली। और पूर्णिमा से कैसे याद रखना है? अमावस्या पूर्णिमा आती है ना, तो उसी से याद रखना है, पूर्णिमा के दिन मिली। अब पूर्णिमा के दिन मिली कहाँ मिली? रेणुका के घर मिली। कौन एक सहेली और थी इनकी? रेणुका। तो रेणुका के घर में ये चारों सहेलियां मिली। ठीक है, अब आगे मैं बता देता हूं दोस्तों आपको कि चार ऐसे वर्ड हैं जो अपन आगे वाले याद करने वाले हैं। तो पहली महिला भारत देश की किसी राज्य की जो राज्यपाल रही है वो सरोजनी नायडू रही है। ठीक है, एक चीज ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, पहली महिला राज्यपाल। दूसरा आता है सुचेता कृपलानी का नाम, ये भी पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, और किस राज्य की रही है? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की दोनों, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू आपकी गवर्नर रही है, सुचेता कृपलानी आपकी सीएम रही है। राजकुमारी अमृता कौर की बात करें तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनने वाली महिला है। ठीक है, तो राजकुमारी अमृता कौर, इनको नाम याद रखना है। फिर आता है विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है और ये संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के पद पर रहने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो ये तीन चार वर्ड आपको ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, और बाकी चीजें मैंने संचालन समिति, जितनी भी समिति आपको बताई है उसको आप अच्छे से देखिए, क्लियर कीजिए। जितना आप रिविजन करेंगे उतना आपको याद होगा, है ना। कम से कम दो बार वीडियो देखिए आप, है ना, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर तीसरी बार उस नोट डाउन का रिवीजन कीजिए, आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज इसको थोड़ा शेयर कीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज इसको लाइक कीजिए।